गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास से यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारे 860 नंबर करंट वीडियो को। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट कृषिकरण ए प्रोजेक्ट फॉर प्रमोट हाई टेक फार्मिंग इज बिगनिंग लॉन्च्ड। किस राज्य में जो है कृषिकरण हाईटेक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना है उसको शुरू की जा रही है, तो किस राज्य के अंदर शुरू की जा रही है ये हाईटेक? तो ये कर रही है केरल सरकार। कौन कर रहा है? केरल सरकार जो है तिरुवनंतपुरम की पल्लीकल पंचायत में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना है उस पर कृषिकरण शुरू है की जा रही है। परियोजना के बारे में बता दें कि मिनी पॉली हाउस जो एक तरह का ग्रीन हाउस होता है कृषिकरण परियोजना के तहत मनाया जाएगा। इसे नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और क्यूरे 3 इनोवेशन की संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। रिवीजन करते हैं लास्ट के क्वेश्चन एक के साथ। पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बोल्ड के रूप में भारत में KVIC ने 1000 बांस के पौधे कहाँ लगाए? तो किस राज्य में? तो वह राजस्थान में। किस मिशन के तहत सरकार द्वारा ODF प्लस नियमावली जारी की गई है? तो वह स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत। किसने 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान स्केटबोर्डिंग के लिए अपना पहला ओलंपिक जो है स्वर्ण जीता है? तो वह यूटो होरिगोम ने। किसे भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पोनियर्स की किताब से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो वह बेंगलोर कोहिमा पीपरी चीचवाड़ समेत क्या 11 को। 2021 में अर्थ और सूट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 29 जुलाई को। किस कंपनी ने नई रोबोटिक फर्म जिसका नाम है इंटरस्टिक लॉन्च किया? तो वो किए अल्फाबेट ने। अब दोस्तों के लिए बता दूं, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारथी ऐप है, जिसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस सारथी ऐप के द्वारा आप सभी प्रकार की जो है सब्जेक्ट की जो है तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर क्यूज कराई जाती है, सभी सब्जेक्टों की क्यूज की जाती है, हिस्ट्री भूगोल ज्योग्राफी राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स जितनी भी प्रकार के जो है क्यूज है वो कराई जाती है, जिसकी लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फटाफट वहाँ से डाउनलोड कर ले सारथी ऐप को, बिल्कुल छोटे साइज का जो है ऐप है इसको डाउनलोड करें। यहाँ पर क्यूज कराई जाती है, इन क्यूजों को जो है पार्टिसिपेट करें और अपनी जो है तैयारी को परखें। फटाफट डाउनलोड करें सारथी ऐप। चिलाटी हल्दीबाड़ी इज द रूट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी है भारत और किस देश के बीच का एक जो है मार्ग है? तो ये किसके बीच का है? भारत और बांग्लादेश के मध्य का जो है मार्ग है। 31 जुलाई को जो है बांग्लादेश भारत के बीच पुनः जीवित चिलाहाटी हल्दीबाड़ी मार्ग पर पहली मालगाड़ी भारत के अलीपुरद्वार खंड से बांग्लादेश के लिए रवाना होने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल सम्मेलन के दौरान 55 साल के अंतराल के बाद पिछले साल 2021 में हल्दीबाड़ी चिलाहाटी ट्रेन मार्ग को मालगाड़ी के संचालन के लिए खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एवरी ईयर? जो मानव तस्करी है उसके खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 थीम क्या थी? पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ाओ दिन का इतिहास। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने उनके अधिकारों को प्रचार संरक्षण के लिए इस दिन को नामांकित किया गया था। विच स्टेट ऑर्गेनाइज सोशल एम्पावरमेंट कैंप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्स एंड एड्स टू दिव्यांगजन ऑन 31 जुलाई 2021? 31 जुलाई 2021 को किस राज्य ने दिव्यांगजनों है उनके सहायक उपकरण और सहायता के वितरण के लिए सामाजिक जो
अधिकार शिविर है वो आयोजित किया गया है, तो किस राज्य सरकार ने, तो वह एमपी सरकार ने, एमपी सरकार, उसने 31 जुलाई को सहायक उपकरण सहायता के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया। शिविर के बारे में बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, जिला प्रशासन छिंदवाड़ा और एलिमेको ने इस शिविर का आयोजन किया है। वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन विच स्टेट, विच डेट, जो विश्व रेंजर दिवस है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को, लास्ट जुलाई यानी 31 जुलाई को, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस यानी वन रक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन ड्यूटी के दौरान मारे गए घायल हुए रेंजरों की याद में मनाया जाता है और इस काम का जश्न मनाता है जो रेंजर्स दुनिया की प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए करते हैं। एक रेंजर एक व्यक्ति होता है जिसे पार्कलैंड और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण रक्षा करने का कार्य दिया जाता है। रेंजर शब्द आमतौर पर वन रेंजर या पार्क रेंजर के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आज का सवाल जिसको आपको नीचे आंसर देना है कमेंट के द्वारा, और जो कमेंट के द्वारा सही आंसर देने वाले विजेता रहेंगे उन सभी विजेताओं के नाम दिए जाएंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन क्या है वो दोहरा देता हूँ। ऑन जुलाई 29, 2021 प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द सेफल असिस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉर डेस। 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तान के लिए सेफल असेंटमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। तो किन के लिए लॉन्च किया वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, CBSE के छात्र, ICSE के छात्र, यूपी बोर्ड के छात्र या उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर दें और सही आंसर देने वाले विजेताओं को नाम दें अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनी हैज कोलाबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड CBSE टू लॉन्च AI फॉर ऑल इंटेटिव। किस कंपनी ने जो है AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए किस शिक्षा मंत्रालय और CBSE के सहयोग से शुरू किया है, तो किस कंपनी ने, तो वह इंटेल, राइट आंसर क्या होगा, इंटेल, इंटेल ने AI फॉर ऑल नामक एक पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग किया है। इसे भारत में सभी बीच जागरूकता पैदा करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मूल समझ विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ये 4 घंटे का एक स्वयं पुस्तक ऑनलाइन सीखने का कार्यक्रम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है उसको आसान तरीके से समझाता है। पाठ्यक्रम को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, AI अवेयरनेस 1.5 यानी तकरीबन 1.5 घंटे का, और दूसरा AI एक्सप्रेशन वो है तकरीबन 2.5 घंटे का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू ऑन जुलाई 2021, 29 जुलाई 2021 को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, वह पेड्रो क्रिस्टेलियो को, राइट आंसर क्या होगा, पेड्रो क्रिस्टेलियो। पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो क्रिस्टेलियो को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है गुडियो बोल्डो को नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया, गुडियो बोल्डो को, और किसने नियुक्त किया, तो वो क्या है, पेड्रो क्रिस्टेलियो, जो कि क्या है वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये है वहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने इनको जो है नियुक्त किया है, गुइडो ब्लेडियो, राइट आंसर क्या होगा, बी। ब्लेडियो मार्क्सवादी लेनिनवादी मुक्त पेरू पार्टी का सदस्य है जिसके साथ क्रिस्टल ने राष्ट्रपति पद जीता है। यह पेरू जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो अमेजोन वर्षा वन का एक हिस्सा है। माचू पिचू एक प्राचीन सिकान शहर है जो इंडीज ऊंचे जो पहाड़ों में है उसकी राजधानी है लिम्बा, राइट आंसर क्या होगा, इसकी राजधानी क्या है, लिम्बा। गलतफहमियां रिश्ते अक्सर क्या है, ख़त्म कर देती है, तो गलतफहमियां वो ना रखें, गलतफहमी क्या आपके रिश्ते ख़त्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर जो पिछले वीडियो का था वो देखते हैं और सही आंसर देने वाले जीता हूँ ना। पिछले वीडियो क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंटरनेशनल टाइगर स्टैंडर्स एग्जीक्यूटिव
कमेटी एज मीटिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानक दंडों का परखरा उतराया, तो वह 14 टाइगर रिजर्व पर। और जिन्होंने सही आंसर दिए उनके नाम है सोहन कुमार, सीमू लोधी, प्रवीण सिंह, सरुण कुमार, दिनेश कुमार, हर्षवर्धन निकम और विजेता ठाकुर। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करें वीडियो पसंद आया तो थम्सअप कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो रेड बटन जो नीचे दिखाई दे रहा है बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।